नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट रिद्धि बहल। हमारे कल्चर की सबसे अच्छी बात है कि यहां पे रिश्तों को भी त्योहार की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। करवा चौथ एक ऐसा ही त्योहार है जिसका हम साल भर से इंतजार करते हैं और जो बात करता है पति पत्नी के प्यार की, पति पत्नी के बॉन्डिंग की। तो क्या ऐसी चीजें हैं कुंडली में जो कि ये बताती हैं कि इनका बॉन्ड किस तरह का है और कैसे हम जो है उसको आगे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो जब हम कुंडली मिलान करते हैं शादी के समय, तब भी हम इन चीजों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। सबसे पहला है चंद्रमा, मून। क्यों? क्योंकि मून जो है वो रिप्रेजेंट करता है माइंड को। तो माइंड का मिलना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो मेंटल कंपैटिबिलिटी के बारे में बताता है। थोड़ी बहुत खटपट तो सभी में होती है, पर अगर आपका चंद्रमा अच्छी पोजीशन है आप दोनों की कुंडली में, तो आपकी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो हमेशा मैच करेगी। चंद्रमा को चांदी की चीजें रिप्रेजेंट करती हैं, इसीलिए सुहाग की चीज में चांदी की कुछ ना कुछ चीज जरूर रखी जाती है। तो इस करवा चौथ आप कोशिश करें कि अपने पार्टनर को चांदी की कुछ ना कुछ चीज जरूर गिफ्ट करें। इससे आपका मून जो है वो और स्ट्रांग होगा। एज अ रिजल्ट आपकी जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसके बाद आता है वीनस और जुपिटर। वीनस यानी कि शुक्र, जो कि कारक है शादी का। तो शादी के लिए हम जो है शुक्र की पोजिशन कुंडली में देखते हैं। शुक्र जो है एक मेल के चार्ट में रिप्रेजेंट करता है वाइफ को, और जुपिटर एक फीमेल के चार्ट में रिप्रेजेंट करता है हस्बैंड को। तो आपके हस्बैंड किस तरह के होंगे, आपकी वाइफ किस तरह की होंगी, ये डिपेंड करता है आपके जुपिटर पे और आपके वीनस पे। वीनस जो है वैसे भी प्यार रोमांस का भी प्लैनेट है, तो अगर प्यार और रोमांस को और एनहांस करना है तो अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग करिए। वीनस जो है वो रिप्रेजेंट करता है विमेन को, लेडीज को। तो अपने आसपास की जो भी लेडीज हैं, अगर आप उनको किसी भी तरह से उनकी हेल्प कर सकती हैं तो आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन, शुक्रवार वाले दिन वाइट चीज का दान करिए, इससे भी आपका वीनस जो है स्ट्रॉन्ग होगा। जुपिटर यानी कि गुरु, तो गुरु का जो दिन होता है वो थर्सडे होता है। थर्सडे वाले दिन येलो चीज दान करने से आपका गुरु जो है वो स्ट्रांग होगा। सो लेडीज के लिए स्पेशली अगर आप थर्सडेज वाले दिन पीली चीज का दान करेंगी तो आपके हस्बैंड और आपकी बॉन्डिंग जो है वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी। इसके बाद आता है मंगल। मंगल और शुक्र जो है वो हम देखते हैं फॉर द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द मैरिज। तो अगर फिजिकल कंपैटिबिलिटी आपकी कहीं लैक कर रही है तो इसका मतलब वीनस और मार्स में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है आपकी कुंडली में। तो उसके लिए जो है, जैसे मैंने आपको वीनस का उपाय बताया, वीनस का उपाय आप करिए, प्लस आप जो है ट्यूजडेज वाले दिन जो है कुछ ना कुछ दान जो है जरूर करें, इससे आपका जो है मंगल स्ट्रांग होगा। सो एज अ रिजल्ट अगर वीनस और मार्स स्ट्रांग रहेंगे तो जो मैरिज का फिजिकल एस्पेक्ट है वो भी स्ट्रेंथन होगा, स्ट्रांग बनेगा। सो फॉलो दीज टिप्स एंड मेक दिस करवा चौथ और आपकी जो प्यार की बॉन्डिंग है वो जो है और ज्यादा स्ट्रांग। So wishing all of you a very happy Karwa Chauth.